डे टू हम चालू कर रहे हैं चंडीगढ़ से। कल हम सीधे चंडीगढ़ तक आ गए थे भोपाल से, और काफ़ी लंबी राइड रही, 1000 समवट कुछ की राइड रही, 1117 कुछ किलोमीटर की। और अब जा रहे हैं, अब शिमला की साइड जाने का है, शिमला से देखते हैं कहाँ निकलते हैं और फिर अपडेट करते हैं। फिलहाल तो हम जीरकपुर में रुके थे, बहुत अच्छा होटल था ये होटल सिल्वर इन करके, अफोर्डेबल प्राइस में, बढ़िया एक नाइट के स्टे के हिसाब से क्या चाहिए। और सो वी आर क्रॉसिंग हिमालयन एक्सप्रेस वे टोल, और लॉयल ने फाइनली हमें ज्वाइन करा है। लॉयल चल रहा है हमारे साथ, पता नहीं कहाँ तक वो चल रहा है, उसका बैग तो लग तो नहीं लंबा जा रहा है, पर ठीक है। तो फाइनली हमारा एक चलान, छोटा सा हमारा यानी से प्रभात भाई एक चलान हुआ है छोटा सा। अरे ठीक है, यूपी में अब एमपी वालों का कुछ नहीं करने का भी फायदा तो हुआ ना, ठीक है। पर हाँ चलो, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमारी भी गलती नहीं, एमपी आरटीओ में अगर हो नहीं रहा है एनडी का वो रजिस्ट्रेशन, यूपी में हो रहा है इन्हें नहीं करा, तो इन्हें अपनी गलती के खामियाजा से भुगत रहा, पर हमारा तो इंडिया तो हम ही क्या किस बात के रोकेंगे। फाइनली वी आर वेलकम बाई माउंटेन्स, और माउंट पहाड़ में वापस आके मजा आ रहा है। तो शिमला भी यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, और ऐसा कोई लॉन्ग रन नहीं है हमारा, आराम से आज गाड़ी चला रहे। चलो तो ये यहाँ का व्यू है शिमला से आउटस्कर्ट्स में, यही यहाँ का, यहाँ से कैसे हमने चाय पीने के लिए सही ब्रेक लिया था, और क्या ही प्यारा लग रहा है। ये जाकू है वैसे तो, पर शिमला का ही पार्ट समझ लो। ये अपनी गैंग, ये अपनी बेबी, और फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि सनसेट हो ही रहा है तो नारकंडा में स्टे करेंगे। नारकंडा इज़ अबाउट मतलब 40 या 50 किलोमीटर्स है फ्रॉम संजौली, और वहीं जाके स्टे करेंगे, और सुबह कल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और बहुत ही प्यारा मौसम, बिल्कुल ही मतलब मज़ेदार मौसम है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल गाड़ी चलाने में, और ठंड लगना चालू हो चुकी है, मतलब आप बिना ग्लव्स और बिना जैकेट के तो मतलब कवर के तो आप गाड़ी चला भी नहीं सकते। पीसफुल, क्या शानदार है, पेड़ों के पीछे एक नंबर व्यू है। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया, क्या ब्यूटीफुल रोड से यार, मतलब गाड़ी चलाने में इतना मजा आ रहा है। शिमला से नारकंडा मतलब 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर है, पर गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना इसकी कोई हद नहीं। कितना बचा है कुफरी, तो कुफरी आ गए, नारकंडा 48 बचा हुआ है, और बड़ा मज़ा, और ये गाय घोड़े तो चहल का रास्ता कटता है, यहाँ से राइट जाओगे तो चहल आता है, चहल भी अच्छी जगह है, काफ़ी पीसफुल प्लेस है, और पहाड़ों में तो हर जगह ही पीसफुल है भाई साहब। बस ये फोटो सेशन वाली जगह आ गई, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों पे खो गया।
भाई जो ये होटल में रुका था हाँ